कैसा कार्यक्रम रहा जी आपका? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, पानीपत वासियों को नमस्ते, बहुत संयोग मिला, बहुत अच्छा काम हुआ, एसपी डीएसपी का सब संयोग मिला, बहुत अच्छी तरह। आज क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? आज कलश यात्रा है, मंदिर में जाएंगे, दरगाह में जाएंगे, कलश यात्रा सारे शहर में घूमेगी, सारे शहर में आज कलश यात्रा घूमेगी। पानीपत में आपका प्रोग्राम कैसा रहा कार्यक्रम आपका प्रोग्राम कैसा रहा पानीपत? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मेरे पानीपत वाले जीत रहे, मालिक उनको अच्छा रखे, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, माता रानी की लंबी उम्र करे, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे। आज ये कलश यात्रा किस लिए निकाली है? ये शहर की सुख शांति के लिए, मालिक सभी को अच्छा रखे। दिन में कोई दिक्कत नहीं हुई पानीपत में? नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई माता रानी की। ये बाबा की चादर है, ये शहर की सुख शांति के लिए, मेरे जज्मानों की तरक्की के लिए हम चढ़ा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से है? जी, हमारे तरफ से है। हमारे सम्मेलन हो रहा है, किन्नर सम्मेलन बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत खुशियाँ मना रहे सब लोग। ये दुल्हन है, देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, परियों से भी ज्यादा। हमारे लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? पानीपत की पब्लिक दुल्हन बन के आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। मालिक आप सबको खुश रखे, आप सबकी दिली तमन्ना मनोकामना हो पूरी, ईश्वर सबकी कमाई में रोजी रोटी में बरकत दे, आपके बच्चे फले फूले, आप हमें नेक देते हो, आपका परिवार बढ़े, आपका रोजी रिजक बढ़े, राजी रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ये देखिए, ये चादर जो है ये चढ़ाई जाएगी इनकी तरफ से, और बड़ा अच्छा जो है कार्यक्रम इनका पानीपत में हुआ है। वीडियो साथ के साथ शेयर जुड़े, पानीपत के किला क्षेत्र से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये डांस कर नाच गाकर जो है किन्नर समाज खुशी मना रहा है। बड़ी खूबसूरत परियों जैसी किन्नरें जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जगह इन किन्नरों का जो है स्वागत भी किया जा रहा है। कलंदर पीर तक ये किन्नर जो है पहुंचेंगे पैदल ही, और फिर उनकी जो है शोभा यात्रा निकलेगी। पानीपत के बाजारों से शोभा यात्रा होकर ये जो है निकलेगी। हाँ जी, मैं लुधियाना से आई हूँ, पंजाब से। यहाँ पर हमारा किन्नर सम्मेलन हो रहा है पानीपत में। यहाँ देश प्रदेश की सब माइयाँ उतर रही हैं। आज फूल पत्ती है, आज मेरे कलंदर शाह पाप जी के यहाँ पर दरगाह पर सलाम करने आए हैं। मेरी जितने भी देश प्रदेश की माइयाँ हुई हैं सभी को हमारी तरफ से 26 जनवरी की लाख लाख बधाइयाँ हों। भारत माता की जय। We'll be right back.
को फिर से बता दें कि पानीपत में किन्नर महासम्मेलन जो है चल रहा है पिछले कई दिनों से और अब ये समाप्ति की ओर है। आज पानीपत में इनकी शोभा यात्रा जो है निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी और उसके बाद जो है कल इस कार्यक्रम का समापन होगा, कल चलेगा और परसों इस कार्यक्रम का जो है समापन होगा। ये समाप्ति की ओर है, ये समाप्ति की ओर ये कार्यक्रम जो है चलना है। यहाँ ही तो पानीपत है। पानीपत से हो? हाँ। अच्छा, कितने दिन का कार्यक्रम हो रहेगा आपको? 12 दिन का। 12 दिन का, 12 दिन चला है प्रोग्राम। हाँ। अच्छा, आज वो दादी मर की दिन सोमवार है, सोमवार है उसका प्रोग्राम है। ये बुजुर्ग किन्नर है, आप ये देखिए कितने अच्छे ढंग से जो है सज के ये लोग जो है निकले हैं और ये कलंदर पीर तक ये पहुंचेगी। बहुत अच्छा रहा हैगा ये, हमने हमारे पानीपत वासी जितने भी है मेरे जजमानी लोग उनके लिए दुआओं के लिए ये कलश यात्रा निकली है कि उनके बच्चों के लिए निकली है कि मालिक उनकी खैर रखे, रोजी रोजगार में बरकत देवे। मेरे जितने भी अन्नदाता है पानीपत वाले, खूब फले फूले मालिक उनको राजी रखे, उनको बनाए रखे। मेरे भैया, मेरी बहने, मेरी माए, जितने भी है मालिक सभी की खैर रखे बाबूजी, और तुम्हारी लग रहा है दुल्हन बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस भी है, आपको पता है ना इस चीज का? क्या संदेश देना चाहेंगे? बस देशवासियों को यही संदेश देना चाहूंगी, मालिक सबको अच्छा रखे, सबकी खैर करे, सबके बच्चे जी। तो बिल्कुल 26 जनवरी के लिए भी एक संदेश है इनकी तरफ से। कलंदर पीर तक ये जो है कलश यात्रा इनकी पहुंच चुकी है और यहाँ पर चादर चढ़ाने के बाद जो है, चादर चढ़ाने के बाद अब ये कार्यक्रम उसके बाद ही होगा। फिलहाल अब ये चादर चढ़ाने के लिए कलंदर पीर तक पहुंचेंगे। खूबसूरत दुल्हन के रूप में ये किन्नर जो है आप लोग वॉइस ऑफ पानीपत की स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम जो है इनका अब शेष बचा है और 2 दिन बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगी। Thank you.
लोग आए हैं कलंदर बाबा दरगाह में, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का सम्मेलन है, सब जजमान के लिए शुभकामनाएं, सब अच्छे रहें, जजमान की बच्चे जिए, वो फले फूले। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं भी आई हूँ काशी नगरी बनारस से, कलंदर का बाबा आए हूँ। सब खुशियाँ बांटिए, सब आइए, सब दिल मिलाओ, सब आओ हमारी पार्टी में। हम लोग बाबा के दरगाह पे आए हैं और अपने जजमान के लिए दुआ करते हैं। तो कलंदर पीर में ये लोग जो है अब पहुंच गए हैं यहाँ पर, अब ये माथा टेकेंगे। जी बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं आई हूँ धनबाद झारखंड से, धनबाद किन्नर। मैं आई हूँ जगह में मायो का सब पके लागू, जैसे कि राधे राधे। ये बनारस की है मेरे यहाँ कलंदर से बाबा आई हूँ। मेरे जजमान अच्छे रहे, मेरा अच्छे रहे, पूरा परिवार उनका अच्छा रहे। कलंदर से बाबा आई हूँ, मायो और कैसे है सब अच्छा रहे। खूब दुआ मांगने आई हूँ, एंट्री हो रही है यहाँ पर। चादर चढ़ाने के बाद जो है अगला कार्यक्रम इनका होगा, तो फिलहाल यहाँ पर चादर चढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए ये कलंदर पीर है और यहाँ पर किन्नर समाज का स्वागत जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय द्वारा आज इनका कलंदर पीर तक पहुंचने पर जो है भारी स्वागत किया जा रहा है। मेरे साथ के साथ शेयर जो करें पानीपत के कलंदर पीर से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और उधर पुलिस के जो है पुख्ता प्रबंध यहां पर किए गए हैं। तो पुलिस की खास तौर पर जो है ड्यूटी बनती है और पुलिस जो है यहां पर पुख्ता प्रबंध करने के लिए पहुंची हुई है। वीडियो साथ के साथ शेयर जुड़कर पानीपत के कलंदर पीर से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। नाच गा कर ये लोग जो हैं जश्न मनाते हुए यहाँ पर पहुँच हुए हैं। कलश यात्रा जो देखिए आप, देखिए तस्वीरों में कलश यात्रा जो है इनकी निकल रही है, और ये तस्वीरें लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर आप देख रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने दिखाया था कि कैसे ये किन्नर समाज ये कार्यक्रम जो है करता है।
सफ़ेद साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये किन्नर। और ये पानीपत का सौभाग्य रहा कि पानीपत में इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, पीसफुल कार्यक्रम किन्नर समाज का चला, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही, अपनी मस्ती में डांस करते हुए ये किन्नर समाज के लोग। स्वागत हो रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम हमारे किन्नर समाज की तरफ से फूल पत्ती की रस्म होती है, उसको बोलते हैं चादर चढ़ाना कलंदर बादशाह पे। ये कलंदर पीर मस्त कलंदर है, यहाँ के दुनिया मस्त हो जाती है। सरदार कुलवंत जी, यहाँ के दुनिया मस्त हो जाती, सबकी मनोकामना पूरी होती, सबके भगवान झोली भरता है। और मैं अपने शहर वासियों की इतनी शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने हमारा इतना स्वागत किया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और मेरे भाई संजय अग्रवाल को जय बोलो सब। आप क्या बोलना चाहेंगे जी, ऐसा कार्यक्रम पानीपत भव्य कार्यक्रम हुआ, पानीपत को पूरा आशीर्वाद मिला। ये हमारी बड़ी बहन साधना हाजी साधना जी का एक करिश्मा है कि देखो पानीपत के अंदर पिछले 4-5 दिन से इतना बड़ी आशीर्वाद मिल रहा है किन्नर समाज का। ये पानीपत के लोगों का सौभाग्य है कि पूरे हिंदुस्तान का किन्नर समाज आज पानीपत को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा हुआ है। और बहन जी तो देख लो, लगातार कितने बड़े आयोजन के साथ और कितने बड़े परिवार के साथ लगातार पानीपत की सड़कों पर हैं। हम पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहन जी का और पूरे हिंदुस्तान के किन्नर समाज का स्वागत करते हैं। अच्छा, MLA बनने का आशीर्वाद दे दिया क्या इन्होंने आपको भी, MLA बनना है? बिल्कुल दे दिया बहन जी ने, बिल्कुल दिल खोल के आशीर्वाद दिया है मुझे विधायक बनने का। और मैं उम्मीद करता हूँ बहन जी का आशीर्वाद खराब नहीं जाएगा। ठीक है जी, आशीर्वाद दे रहे हैं उनको विधायक बनने का। दे दिया मैंने आशीर्वाद। जिसके साथ आप उसी के साथ मैं हूँ, आपने किनके साथ। एक अंदर पीर में स्वागत हुआ है, ये साधना थी, हाजी साधना, चादर चढ़ाई जाएगी, चादर चढ़ाने के बाद जो है अगली रस्म इनकी होगी। तो ये वीडियो पानीपत के कलंदर पीर से आप लोग देख रहे थे। तो आपको बता दें कि कलंदर पीर में पहुंच गए हैं ये लोग, अभी चादर चढ़ाने की रस्म होगी। चादर चढ़ाने के बाद बाजारों से घूमते हुए फिर से ये सेक्टर 13-17 में पहुंचेंगे और वहां पर इनका कार्यक्रम होगा। 2 दिन का कार्यक्रम बचा है, बड़ा अच्छा पीसफुल कार्यक्रम जो है ये पानीपत में हुआ है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।